हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर सुप्रिया शिंदे, एमडी आयुर्वेद आचार्य. टुडे आई हैव कम विद अ न्यू टॉपिक. व्हाट इज योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? आपका आयुर्वेदानुसार व्यक्तिमत्व कौन सा है? सो लेट स्टार्ट. वात, पित्त और कफ, आयुर्वेदा का पूरा बेस इन तीनों पर आधारित है. इन्हें दोषास भी कहा जाता है. एज पर आयुर्वेदा, इन्हीं तीनों के बेसिस पर हमारा पूरा शरीर ऑपरेट होता है. हमारा बॉडी टाइप, बिहेवियर और पर्सनालिटी इन्हीं तीनों के बेसिस के प्रोपोर्शन और किसी एक दोषा के डोमिनेंस से डिफाइन होता है. हम इंसानों में यूजुअली बाय बर्थ किसी एक दोषा का प्रीडोमिनेंस रहता है. इसे हम प्रकृति दोषा भी कहते हैं. सो इसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर आयुर्वेदा, आपके बॉडी टाइप है वात टाइप, पित्त टाइप और कफ टाइप. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वात टाइप बॉडी. वात टाइप बॉडी में यूजुअली वात प्रीडोमिनेंट रहता है. अष्टांग हृदय, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, उसमें आयुर्वेदा के गुण बताए गए हैं. ड्राई, कोल्ड, लाइट, रफ, मोबाइल एंड सबल. अगर हम वात टाइप के लोगों के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये लोग यूजुअली बहुत लीन रहते हैं. दे आर हैविंग थिन हैंड्स एंड लेग्स एंड देयर ओवरऑल बॉडी अपीयरेंस इज बिलो एवरेज. अगर हम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका बॉडी ड्राई, कोल्ड और लाइट वेट होता है नेचर में. और वात इज ऑल अबाउट मूवमेंट, जस्ट लाइक विंड. ये इन लोगों में अक्सर एक बेचैनी रहती है, मन काफ़ी चंचल रहता है. ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं. अगर इनकी नींद की बात करें तो इन लोगों की नींद बहुत कच्ची रहती है. मतलब एवरेज लोगों की तुलना में ये लोग बहुत कम सोते हैं. और ज़्यादा साउंड स्लीप नहीं मिलने से इनको सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं. अगर हम इनके खाने पीने की बात करें तो इनका खाने पीने का तरीका भी बहुत अच्छा नहीं रहता. मतलब कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया. इस वजह से इन्हें विषमा जीर्ण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. मतलब पेट में कभी भी गड़बड़ हो सकती है. अगर हम इनके ओवरऑल स्किन की बात करें तो एक स्किन में ड्राइनेस रहता है, रफनेस रहता है. और इन लोगों को ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो पाती. मतलब गर्मी तो ये झेल लेते हैं, लेकिन ठंडी के सीज़न में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. जैसे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही माइंड और बिहेवियर में मैनिफेस्ट हो जाते हैं. मतलब बात करने में एक स्पीड रहती है, बात करने का तरीका बहुत फास्ट रहता है. और हमने देखा कि इनका मन काफ़ी चंचल रहता है. इस वजह से ये किसी एक जगह पर फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. इसलिए ज़्यादातर ये लोग फिकल माइंडेड होते हैं. मतलब जल्दी से डिसीजन चेंज करना या फास्ट डिसीजन नहीं ले पाना. और इनकी मेमोरी भी थोड़ी सी वीक रहती है. लेकिन दोस्तों, इनका एक ब्राइट साइड भी है. मतलब अगर हम इन लोगों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये आसमान में उड़ रहे परिंदे हो, फुल ऑफ एंथुजियाज्म. और हमने देखा कि ये बहुत एक्टिव रहते हैं. इस वजह से ये काफ़ी अच्छे थिंकर्स भी हैं. अच्छे और नए आइडिया सोच पाना इनकी खासियत है. दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू थिंक बिग एंड दे आर द क्रिएटर्स एंड ड्रीमर्स. ये वो सोच ले पाते हैं जो बाकी लोग सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. Like and subscribe my channel. Thank you.